मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक के पहले कौन जानता था, रितेश अग्रवाल को ओयो के पहले कौन जानता था, कौन जानता था जैक मा को अली बाबा के पहले, और विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के पहले कौन जानता था। हार्टफेल्ट वेलकम टू ऑल द वंडरफुल सोल्स आउट देयर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल, और आप सुन रहे हैं गली का गालिब। आज गली का गालिब के इस एपिसोड स्टार्टअप फ्रॉम पहचान कौन टू यूनिकॉर्न में मैं आपको शेर और कविताओं के साथ साथ स्टार्टअप से जुड़े मोटिवेशनल किस्से सुनाऊंगा और स्टार्टअप से जुड़ी कई टिप्स भी दूंगा। क्या आप जानते हैं यूनिकॉर्न ये टर्म एलिन ली ने 2013 में कॉइन किया था, जिसका मतलब है ऐसे स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो। 2013 में भारत में एक भी यूनिकॉर्न नहीं था और आज पूरे 30 है। ग्रोसरीज वाला बिग बास्केट, गेमिंग वाला ड्रीम 11, लॉजिस्टिक्स वाला डिलीवरी, होटल वाला ओयो रूम्स, बायजूस, पॉलिसी बाजार, बिल डेस्क या फिर लेंस कार्ड, ये सब इंडिया के यूनिकॉर्न्स हैं। 6-7 सालों में ये पहचान कौन से यूनिकॉर्न बन गए, आप और आपका बिजनेस भी जरूर बन सकता है। तो आपके पास भी अगर कोई आइडिया है तो विदाउट डिले स्टार्ट कीजिए। तब मैं कहता हूं, मन की गुप्त तिजोरी में जो ख्वाब छिपा कर रखे हैं, मन की गुप्त तिजोरी में जो ख्वाब छिपा कर रखे हैं, सपनों के उन सिक्कों को बाजार में जरा थिरकने दो, हो सकता है उनमें से कोई एक भी सिक्का चल जाए, हो सकता है उनमें से कोई एक भी सिक्का चल जाए, शायद तेरा और देश का सोया भाग्य सवर जाए। तो कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस क्या होता है, एक कोशिश होती है जो मुकम्मल होती है। कोशिश पर मेरी बेहद पसंदीदा रचना है सोहनलाल द्विवेदी जी की, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। नन्नी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। स्टार्टअप से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहूंगा। दो लोग थे जो काफी स्ट्रगल कर रहे थे अपना रेंट पे करने के लिए। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी एक इंडियन कस्टमर में, जिसको उन्होंने बेड और ब्रेकफास्ट बहुत कम प्राइस पर रेंट आउट किया, और वहीं से जन्म हुआ एयरबीएनबी का, जो आगे जाकर बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बना। जैक एक बहुत ही गरीब बच्चा था, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कई बार फेल हुआ, और उसे बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज से इंक्लूडिंग KFC रिजेक्ट कर दिया गया। उसे इंटरनेट या कोडिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर इंटरनेट उसे बहुत पसंद आता था। उसने 2 इंटरनेट के वेंचर्स स्टार्ट किए और दोनों ही बुरी तरह पिट गए, पर 4 साल की अथक मेहनत के बाद फाइनली उसने स्टार्ट किया alibaba.com। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर सक्सेसफुल जैक मा की। भाविश अग्रवाल एक बार रेंटेड टैक्सी लेकर बैंगलोर से बंदीपुर जा रहे थे। रस्ते में टैक्सी ड्राइवर से कुछ बहस हो गई, कुछ बात नहीं बनी, और टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें बीच रस्ते में ही उतार दिया और छोड़कर चला गया। उसी रस्ते पर उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया और उन्होंने शुरू किया ओला। तो ऐसे ही बहुत सारी सक्सेसफुल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं स्टार्टअप्स की। आज मैं आपको बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़े 8 एसेंशियल टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहला ये, डू समथिंग यू एब्सोल्यूटली लव, बिकॉज
पैशन ऑलवेज स्टेज इन फैशन। तो जो चीज आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि टेक रिस्क एंड बी विलिंग टू फेल। माइकल जॉर्डन, जो कि फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हैं, वो कहते हैं, आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माई करियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, 26 टाइम्स आई हैव बीन ट्रस्टेड टू टेक द गेम विनिंग शॉट एंड मिस्ड, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि कीप लर्निंग एंड लर्न फ्रॉम योर क्रिटिसिज्म। बिल गेट्स कहते हैं, योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। आपके बिजनेस को आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता हो, इतने अच्छे से आप उसे जाने। चौथा, मैं ये कहना चाहूंगा, एलिवेटर पिच। 30 सेकेंड में अगर आपको अपना आइडिया किसी को लिफ्ट में बताना हो या बेचना हो, तो आप उसे कैसे बेचेंगे? हो सकता है आपके बिजनेस को लोग पसंद करें, आपको वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स फंड करें, आपको पैसा मिल जाए और आप बहुत आगे ऊंचे उड़ जाएं। तो छूते हैं जो जहाज नीले आसमानों को, जमी उन्हें भी लगती है उड़ने के लिए। स्टार्ट मार्केटिंग। आपके पास जो भी पैसा हो, जितना भी पैसा हो, पर मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिलीव इन योरसेल्फ। मेरे कदम पगडंडियों के मोहताज नहीं, मेरे कदम पगडंडियों के मोहताज नहीं, जहां से भी गुजरेंगे रास्ता बना लेंगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पुट हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स डेडिकेटेडली। एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा मेरी, कि जीत का जुनून जब जेहन जड़ा हुआ हो, जेहन यानी दिमाग, जीत का जुनून जब जेहन जड़ा हुआ हो, प्रीत का प्रलोभन प्रिय पृथक तो कीजिए, स्वर्णिम सफलता सुसज्जित होगी सुकर्मों से, असंख्य रक्त स्वेदज आहुतियां तो दीजिए, अरे चाहते हो घर लोग क्षमताओं का लोहा माने, विषम परिस्थिति में भी साहस भर लीजिए, और चाहते हो घर सारा जग मार्गदर्शक माने, स्वहित को त्याग जनहित में काम कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहना चाहूंगा कि डोंट गिव अप। बेब रूथ बेसबॉल प्लेयर हैं, वो कहते हैं, इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। मैं कहता हूं कि बड़े से बड़े दुश्मनों को पल में हराया करता हूं, बस अपनी कोशिशों के तीर चलाया करता हूं, मेरे कर्मों के तरकश में हथियार बहुत ही उम्दा है, मेरे कर्मों के तरकश में हथियार बहुत ही उम्दा है, जो कुछ न कर सकूं फिर भी मुस्कुराया करता हूं। सो डोंट गिव अप। ये 8 टिप्स आप भी फॉलो कीजिए अपने बिजनेस या स्टार्टअप के लिए। कुछ और शेर मोटिवेशनल पढ़ना चाहूंगा, कि देर लगती है मगर किनारे मिल ही जाते हैं, देर लगती है मगर किनारे मिल ही जाते हैं, कोई मांझी जो आए हौसलों की पतवार लिए। घने अंधेरे, शेर ये है कि घने अंधेरे दो पल में ही छट जाते हैं, घने अंधेरे दो पल में ही छट जाते हैं, कोई फलक जो आए अपना महताब लिए। महताब यानी कि चांद। भीगी लकड़ी भी झट से जल सकती है, शेर ये है कि भीगी लकड़ी भी झट से जल सकती है, कोई हवा जो आए दिल में सुलगते ख्वाब लिए। और बिन तेल, शेर यह है कि बिन तेल दिए भी धरा रोशन कर देंगे, बिन तेल दिए भी धरा रोशन कर देंगे, कोई तानसेन जो आए अपना रुबाब लिए। और आखिरी शेर इस बंद का पढ़ना चाहूंगा, कि गहरे समंदर में भी मोती हासिल हो सकते हैं, गहरे समंदर में भी मोती हासिल हो सकते हैं, कोई गोताखोर जो आए मेहनत का आफ्ताब
ताब लिए। देर लगती है मगर किनारे मिल ही जाते हैं, कोई मांझी जो आए हौसलों की पतवार लिए। आपकी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी की राहों पर जिन्हें रह गुजर की तलाश थी, जिंदगी की राहों पर जिन्हें रह गुजर की तलाश थी, वो मुसाफिर खो गए जिन्हें रास्तों की तलाश थी। मंजिलों को तराशने जो पथिक अकेले चल पड़े, मंजिलों को तराशने जो पथिक अकेले चल पड़े, उनके नक्शे कदमों को काफिलों की तलाश थी। आपकी कान की गलियों में दस्तक देगा गली का गालिब, आपके दिल को छू लेगा गली का गालिब, आपकी रूह तक पहुंचेगा गली का गालिब। कीप ट्राइंग आउट न्यू वेंचर्स एंड कीप लिसनिंग गली का गालिब।